हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार आज की वीडियो है अबाउट दिस आईफोन एसई जो 2020 में रिलीज हुआ था, क्या वो आपको लेना चाहिए 2022 में। मतलब थोड़ा सा मुझे नहीं पता यार कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, क्योंकि यार ये आईफोन का या एप्पल का बोल लो सबसे सस्ता फ़ोन इस टाइम पर अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं इसको तो आपको अराउंड 25,000 के आसपास 64 GB का नया मिल जाता है। फ्लिपकार्ट पे सेल्स आती रहती हैं और 30,000 के आसपास 128 GB का मिल जाता है। आप सेकेंड हैंड मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो यार आपको 18,000 के आसपास आपको 64 GB और 22-23,000 तक 128 GB मिल सकता है। बट यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप पुराना लेने चाह रहे हैं तो आप वारंटी वाला पीस लें, क्योंकि यार ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि आपको पता नहीं चलता है कई बार। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जो मैंने लिया है वो लिया एससी 128 GB 20,000 रुपये का। तो ये मुझे सेकेंड हैंड मार्केट में मिला, बट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी यार। मैंने हर तरीके का टेस्ट रन किया, सब चीज़ें चेक कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने इसके स्पीकर भी देखे थे यार। मुझे थोड़ी आवाज़ तो फट रही थी बट वो एग्जैक्टली उतना मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि इट्स अ जेन्युइन पीस, तो मैंने ले लिया। बट बेस्ट थिंग क्या थी, मेरा वारंटी में था और ऑलरेडी मैं अपने आईफोन 13 प्रो को लेके गया हुआ था किसी काम से एप्पल स्टोर। तो मैंने उनको ये दिखाया और वो भाई एप्पल स्टोर वाले तो वैसे ही बहुत बेकार है, ढंग से वो देखते नहीं है। उसके बाद भी मतलब उन्होंने मेरा, चलो मैंने लड़ाई वड़ाई करके उनको बोला कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है, मुझे फटी हुई आवाज़ आ रही है, तो वो मान नहीं रहे थे। तो फिर मैं उनको स्टोर लेके गया, उनको कंपैरिजन कराया, तो फिर फाइनली उन्होंने कहा चलो सही में दिक्कत है, तो हमें आपको एक रिसीवर जो ऊपर का रिसीवर होता है ना वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये रिसीवर ही चेंज नहीं होता है, पूरी डिस्प्ले बदलती है। तो मेरे केस में तो मुझे पूरा ब्रांड न्यू मिल गया एक तरह से पीस में। बट पुराना लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि वारंटी वाला पीस हो, क्योंकि फिर नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो यार अब बात करता हूँ इस फ़ोन के बारे में, मतलब वीडियो इस फ़ोन के बारे में है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा एक बोट जेनिट वॉच का गिव अवे लाइव है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ग्लीम लिंक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वो बोट जेनिट वॉच मिल जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर आपको मिल सकती है वो वॉच। इसके अलावा मैं एक पर्सनल कैंपेन ड्राइव कर रहा हूँ कि यार जितने भी मेरे 5,000 सब्सक्राइबर होंगे और 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो आई विल डू 5,000 एंड 10,000 रुपीज़ डोनेशन, जो कि मैंने जैसे अपनी पहली सैलरी के साथ भी किया YouTube की। तो मैं आगे भी यही फोकस करता रहूँगा कि YouTube से आई हेल्प एज मैनी एज आई कैन। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो यार जो लुक एंड फील है वो इतनी प्रीमियम है, मतलब मेरे को, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था अनटिल आई बॉट इट कि यार ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तो छोटा है और कंफर्टेबल है। मेरे पास आईफोन 12 मिनी भी था, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर यूज़ किया है। तो मैं आपको सही बताऊँ ऑनेस्टली तो इनका फॉर्म फैक्टर काफ़ी सिमिलर है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे 12 मिनी की आदत है, छोटी स्क्रीन की आदत है। तो मुझे लगा यार ये काफ़ी, मतलब मेरे को लगा कि ठीक लगेगा यार मेरे को। और ऑनेस्टली बताऊँ तो जो इसका LCD रेटिना पैनल है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो इसका मतलब मैं आपको बोलूँ तो मुझे लगी इसकी स्क्रीन वाइज। बट देखो डेफिनेटली छोटी है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोचना कि अगर आप छोटी स्क्रीन से कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि 12 मिनी अगेन एक छोटी स्क्रीन थी तो मुझे आदत थी, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा इसका डिफरेंस। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसका और है कि वो है इसका कैमरा। मतलब अगर आप 20-25,000 के फ़ोन लेने जाएंगे ना, मैंने MI 11X यूज़ किया है, रियलमी यूज़ किया है, पोको F3 GT यूज़ किया है, काफ़ी यूज़ कर लिया यार मैंने 20-25,000 के फ़ोन में, तो यार किसी का भी ना कैमरा उतना अच्छा नहीं लगा। बट मैं आपको बताऊं इसका कैमरा नेक्स्ट लेवल है। मैं मतलब हेड टू हेड यूज़ कर रहा हूँ 13 प्रो और SE, और मेरे को ऐसा लग रहा है यार मतलब ये 25,000 का फ़ोन, वो 1,20,000 का फ़ोन, इतना डिफरेंस तो नहीं है इसके अंदर। मतलब फ़र्क है डेफिनेटली बट इतना ज़्यादा तो नहीं है। मतलब कैसे एप्पल ने बना रखा है ये फ़ोन, और मतलब जो लोग इस प्राइस पॉइंट में ख़रीद रहे हैं उनको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल कैमरा मिलेगा, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। मतलब मैं इसको एज अ बैकअप अपना कैमरा यूज़ करने के लिए ख़रीदा था, और नॉर्मली डे टू डे यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, अपनी सिम डाल रखी है, फ़ोन कॉल्स भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ इसके साथ, ऐप्स भी काफ़ी सारी यूज़ करता रहता हूँ उसके अंदर। तो मुझे कोई ऐसा सच फ़ोन के अंदर किसी लेवल पर दिक्कत नहीं है। एक तो ये 60Hz रिफ्रेश रेट इतना फील नहीं होता क्योंकि स्क्रीन छोटी है। मैंने XR यूज़ किया था, लोनर डिवाइस एप्पल ने मुझे दिया था 13 प्रो के अगेंस्ट में, यार वो बड़ा सा मेरे को ना स्लगिश सा लगा, क्योंकि भाई 13 प्रो से ना एक तो शिफ्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 120Hz रिफ्रेश रेट की आपको आदत लग जाती है। तो वो उसके बाद मेरे को दिक्कत आई, 12 मिनी में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, उतना फ़र्क मतलब ऐसा लगता था यार 13 प्रो बेटर है। 12 मिनी 13 प्रो ही मैंने साइड बाय साइड यूज़ किया था कुछ 15-20 दिन, तो मुझे फ़र्क दिखता था, बट इतना नहीं कि मतलब जितना XR में दिख रहा था या बड़े 12-13 में दिखेगा आपको, उतना नहीं था। तो सेम SE में भी, SE भी आपको उतना लैग ही नहीं लगता, और
काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि स्मूथ है इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। A13 बायोनिक होने के बावजूद आपको नॉर्मल सब कुछ बढ़िया अपडेट्स इसके अंदर मिलती रहती हैं जो अभी तक चल रही हैं और आने वाले टाइम में भी अभी कुछ साल और बचे हैं इसके अपडेट के इजीली। मतलब यार आप बोलोगे एप्पल 4-5 साल देता है, बट एप्पल का कोई भरोसा नहीं है अभी भी, मतलब 6S और 7 के अपडेट्स दे रहा है, तो भाई ये तो अभी और चलने ही वाला है एनी डे। तो यार ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है यार आईफोन की। और बस एक इसके अंदर जो दिक्कत आएगी ना वो आपको डेफिनेटली आने वाली है, वो फैक्ट है और वो आपको करना पड़ेगा एडजस्ट अगर आपको ये फोन लेना है, वो है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ इसकी पुअर कैटेगरी में आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखो 12 मिनी की बैटरी लाइफ एवरेज कैटेगरी थी, ये पुअर कैटेगरी है। बट देखो मेरे लिए सेकेंडरी फोन है तो मुझे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती इसकी बैटरी, मेरी तो पूरे दिन चल जाती है क्योंकि मेरा प्राइमरी 13 प्रो है, उसकी बैटरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और मैं इसको सेकेंडरी में यूज़ करता हूँ। तो आप देखो आज रात का टाइम हो चुका है, कितने बज गए हैं, 10 बज चुके हैं और मेरी अभी बैटरी 60% बची हुई है, मैंने एक ही बार सुबह चार्ज किया था। तो मतलब मेरा जो यूजेज है ना वो काफ़ी उतना हाई नहीं है इस फोन का। मैं इसको गाने सुनने के लिए यूज़ करता हूँ अपने एयरपॉड के साथ कनेक्ट करके, या फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ थोड़ी बहुत कॉलिंग, मेरा सेकेंडरी नंबर इसके अंदर ऑलरेडी है। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत ऐप्स भी चलाता हूँ, जब मेरे 13 प्रो डेड हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है या फिर जो भी सीन है, तो फिर मैं इसके अंदर नॉर्मली अपने ऑफिस ऐप्स भी चलाता हूँ थोड़ी बहुत। तो मतलब यार मेरा अच्छा खासा यूजेज हो जाता है दिन का, बट ये नहीं कह सकता यार कि इसका बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बट जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कैमरा से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। मतलब अगर आप एक फ़ोन चाह रहे हैं जो कि कैमरा सेंट्रिक है इस पर्टिकुलर रेंज में, तो वो मैं कह रहा हूँ एंड्रॉइड के फ़ोनों को धड़ल्ले से पेल सकता है, वो भी एक सिंगल कैमरे में, क्योंकि इनकी जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यार यही इस चीज़ फ़ोन का जो मेन मेरे को लगता है USP है इस रेंज में, वो है इसका कैमरा, बहुत ज़्यादा बढ़िया कैमरा है। आईफोन का आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि आप कभी भी फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे तो बहुत इजी, मतलब आप सीमलेस ट्रांसफर होता है भाई एप्पल टू एप्पल, मतलब मज़ा ही अलग आता है। आप मेरे फ़ोन दोनों देखोगे ना, दोनों में सेम ऐप्स है, क्योंकि मैंने एक से दूसरे में डेटा ट्रांसफर किया और लिटरली इट वॉज लाइक सीमलेस। तो ये चीज़ मुझे एप्पल की बहुत अच्छी लगती है, इकोसिस्टम में आना। यार दो आईफोन कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, थोड़ा बेवकूफ़ी बोलते हैं लोग यूज़ जो कर रहे हैं। यार मेरा पर्पस जो था ना एक्चुअली दो आईफोन का कभी नहीं था इतना, मेरे पास हमेशा से एक एंड्रॉइड भी रहता है, मेरे पास GT मास्टर एडिशन है जो एंड्रॉइड में है अवेलेबल। बट मेरा पर्पस था कि यार जब मेरे को आईफोन की वीडियो बनानी होती है ना, 13 प्रो की बनानी होती है, बड़ी दिक्कत आती थी। तो यार मुझे लगा यार एक बार SE को ट्राई करते हैं कैमरा कैसा है इसका, तो कैमरा मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और मुझे लगा यार सेकेंडरी कैमरा के लिए कोई माड़ा नहीं है। मतलब अगर आप एक सेकेंडरी फ़ोन रखना चाहते हैं, एक आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा एंड्रॉइड फ़ोन है, आपको iOS एक्सपीरियंस लेके देखना, तो यार ये वर्ल्ड बेस्ट फ़ोन है इस टाइम पे, क्योंकि यार एक तो इसका फॉर्म फैक्टर नेक्स्ट लेवल है और ये फ़ोन ओवरऑल भी काफ़ी बढ़िया है। तो यार यही था आज की वीडियो के अंदर, आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो भी SE 2 लेने की सोच रहे हैं। SE 3 आने वाला है बट अभी आने में टाइम है और वो आएगा भी थोड़ा महंगा, 40 के आसपास, तो कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।